हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई एम नाउ गुड। तो आज मैंने सोचा कुछ मिनी ब्लॉग वगैरह शूट कर लेते। वैसे मेरे चैनल पे कुछ मिनी ब्लॉग आया नहीं था, तो आज सैटरडे है तो आज ऑफिस जल्दी छुट्टी हो गया था तो मैं घर आ गई थी जल्दी। मतलब मन कर रहा था बहुत ही सिंपल सा खाना खाने का, और वैसे तो बाहर का मैं हमेशा ही जैसे कि स्ट्रीट फूड और रिच खाने तो वैसे मैं खाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज कुछ एकदम सिंपल सा बढ़िया एकदम टिपिकल इंडियन खाना खाएंगे, तो साथ में खाएंगे पकाएंगे और आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे। और जैसा जो मैं आज मैं कुक करने जा रही हूँ बहुत ही मतलब नॉर्मल है, जो सबके घर में ही बनता है, एज यूजुअल घर में बनता है। तो अच्छे अच्छे खाने रेस्टोरेंट जो भी होता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं सोचा ये भी शेयर करते हैं, नॉर्मल सा जो है ये भी शेयर करते हैं आप लोग के साथ। तो चलिए अपने किचन में चलते हैं और जैसा जो मैं आज कुक करने वाली हूँ आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी और बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिए, मेरा एक छोटा सा ही मिनी ब्लॉग होने वाला है, तो स्टे ट्यून गाइस। तो चलिए किचन से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और मेरा ये मिनी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को अब मेरे किचन से कंटिन्यू करती हूँ। तो फाइनली मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल, जो नॉर्मल है सबके घर में ही बनता है। तो ये मैंने दाल को वॉश कर लिया, दाल को वॉश कर कुकर में दे रही थी और उसके साथ जाके ट्यूमरिक जो नॉर्मल सा जाता ही है, और उसके साथ हल्का सा नमक डाल देंगे, मतलब टेस्ट के अनुसार डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। हमारे घर में इस तरीके से ही दाल कुक होता है, तो मैं चलो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ये इस तरह इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद इसके अंदर जाएगा पानी, जो अपने आप हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं 2 कप ही डालूँगी, 2 ग्लास के बराबर। तो ये हो गया मेरा रेडी। अब इसको इसका कुकर बंद करके इसको गैस पर बैठाते हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 या सीटी में ये दाल मेरा कुक हो जाएगा। ये देखिए मेरा फर्स्ट सीटी सेकंड मतलब मैंने जैसे कहा आप लोगों को 2-3 सीटी में ये मेरा दाल कुक हो जाएगा। तो फाइनली मेरा दाल देखिए कुक हो चुका है, बहुत ही बढ़िया से हो चुका है। अब इसको मेरे को तड़का लगाना है। तो तड़के लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया, जो कि मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल के साथ मैं इसमें वो सरसों बोल सकते हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तड़का थोड़ा लगाना है ना, और उसके साथ थोड़ा जीरा ऐड करेंगे, जो कि जीरा तो दाल में नॉर्मल सा देते ही हैं, तो मैं वो जीरा ऐड करूँगी इसके साथ। तो जीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे गार्लिक ऐड करेंगे, जो कि गार्लिक को चॉप मैंने पहले ही कर लिया था, तो वो मैंने डाला इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्लेन, ये सबके घर में ही ये बनता होगा आई होप कि। अगर जिनके निकल घर में बनता है वो लोग मेरे को कमेंट करना। और इसमें स्प्रिंग ऑनियन मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल ऑनियन नहीं, स्प्रिंग ऑनियन यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग जैसा देख सकते हो। उसके बाद ये जाएगा, इसको अच्छे से सौते कर लेंगे, मतलब हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही फ्राई करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं फ्राई कर ही रही हूँ इसको, और उसके साथ थोड़ा सा कलर थोड़ा डार्क हो गया, मतलब गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो हल्का सा अब इसके अंदर ये टोमेटो जाएगा, जो कि मैंने पहले से ही चॉप करके रखा था। तो ये इसके साथ टोमेटो को भी हल्का सा सौते कर लेंगे, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, कलर देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। प्लेन खाना का बात ही कुछ अलग होता है, और घर का खाना मिल रहा है तो क्या ही कहने। तो फटाफट इसको ये सौते हो चुका है, तब इसके साथ मैं जो मैंने दाल कुक करके रखा था उसके साथ मैं डाल दूंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इतना मस्त स्मेल आ रहा है कि क्या ही बताए, और कलर आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो आज भी यही खाने वाली हूँ वैसे, तो मैं सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। उसके साथ मुझे दाल के साथ थोड़ा नॉर्मल सा सब्जी बनाना था, नॉर्मल सा पोटैटो का ही। तो ये मैंने पोटैटो ऑनियन एंड टोमेटो को चॉप करके रख लिया है, तो चलिए बनाते हैं। तो आज इसमें मैं नॉर्मल सा रिफाइंड ऑयल यूज़ करूँगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो था मैंने दाल में यूज़ कर लिया था, ख़त्म हो चुका था, फ्रेंकली मैं बता रही हूँ। तो रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो चलिए रिफाइंड ऑयल से आज नॉर्मल सा सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये मैंने ऑयल दे दिया पैन में, उसके बाद देखते, गर्म तो हो चुका है, अच्छा खासा गर्म हो चुका है। इसमें मैं जीरा डालूँगी, जी हाँ जीरा, जो मैंने दाल में यूज़ करा था। उसके साथ ये सरसों, जो हल्का सा सरसों है वो भी डाल देंगे,
टेस्ट के लिए आप लोग भी ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ये मैं नॉर्मल ऑनियन डाल रही हूँ इसमें, स्प्रिंग ऑनियन नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा चीटे पड़ रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ, डर डर के मैं इसे चला रही थी। जो चीटे पड़ते हैं ना, बाप रे बाप, याद रहता है वो डॉट डॉट जैसा हो जाता है स्किन में। तो इसके साथ मैंने जो पोटैटो चॉप करके रखा था वो मैंने डाल दिया इसमें। अच्छे से इसको मिला लेंगे। मिला लेने के बाद इसके साथ हल्का सा ट्यूमरिक जाएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसके साथ ये आप नमक डालेंगे हल्का सा टेस्ट के हिसाब से। तो ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं मिक्स कर ही रही हूँ। और ये मिक्स करने के बाद, हल्का फ्राई हो जाने के बाद आपको दिखाते हैं इसके साथ क्या क्या जाएगा। नॉर्मल से एकदम प्लेन सा खाना है, ना ही इसमें ज़्यादा स्पाइसी है और ना ही कुछ। इसको हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते, पोटैटो का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, पूरा गोल्डन गोल्डन कलर हो चुका है ये। तो इसके साथ मैं डालूंगी ये टोमेटो जो मैंने चॉप करके रखा था। तो इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्लेन है, ना ही जिसमें ज़्यादा स्पाइसी ऐड करेंगे ना कुछ। उसके साथ मैं ये ऐड करूँगी मैजिक मसाला, जो मैगी का आता है। तो इसको ऐड करेंगे, टेस्ट में मतलब खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट ला देता है। ये प्लेन खाना बना रही हूँ ना, तो इसको तो डालना बनता ही है। तो आप लोग भी ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप लोग को भी दिख रहा होगा, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस जैसा कलर भी आया है। तो मैं तो जा रही हूँ इस खाने को एंजॉय करने, की मुझे बहुत तेज का भूख लगा है। आज का डिनर मेरा यही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और आई होप यू आर लाइक इट। सो चलिए, अब आज का मेरा ये तो फाइनली डिनर मेरा होने वाला है, सिंपल सा, यम्मी सा, टेस्टी सा डिनर। तो आप लोग भी ट्राई करना, ये बहुत ही, मैं मतलब बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को पसंद आया। गर्मा गर्म मिले तो क्या ही कहने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी ब्लॉग में कुछ न्यू कंटेंट के साथ। तब तक